दुर्वासा ऋषि कौन थे? दुर्वासा ऋषि से देवता क्यों डरते थे? महापुराण के अनुसार ऋषि दुर्वासा के जन्म की यह कहानी इस प्रकार है। ऋषि दुर्वासा के पिता महर्षि अत्रि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं। महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया थी। कथा के अनुसार महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुईया को कोई संतान नहीं होती है। तब ब्रह्मा जी के कहने पर संतान प्राप्ति के लिए वे दोनों एक पर्वत पर कड़ी तपस्या करने लगे। महर्षि अत्रि और माता अनसुईया ने कई वर्षों तक कठोर तप किया और इनके तप के प्रभाव से एक अग्नि ज्वाला उत्पन्न हुई जिसने तीनों लोगों को अपने आगोश में ले लिया, जिससे देव दानव ऋषि मुनि सभी चिंतित हो गए। तब ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी महर्षि के तप के स्थान पर गए। प्रसन्न होकर तीनों देवों ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वर प्रदान किया। वरदान के प्रभाव से ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय और भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। भगवान शंकर के रुद्र रूप से दुर्वासा प्रकट हुए थे, इसीलिए उनका रूप अति रौद्र था, इसीलिए वे अति क्रोधी भी थे। जहाँ भोलेनाथ को प्रसन्न करना बेहद आसान माना जाता है, वहीं दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करना सबसे मुश्किल काम था। महर्षि दुर्वासा दयालुता की भी मूर्ति हैं तथा अत्यंत करुणामय हैं। भक्तों का दुख दूर करना, रौद्र रूप धारण कर दुष्टों का दमन करना ही उनका स्वभाव रहा है। दुर्वासा के रूप में अवतार लेकर भगवान शंकर ने अनेक लीलाएँ की हैं जो अति प्रसिद्ध हैं। दुर्वासा ऋषि के आश्रम के निकट ही यमुना के दूसरे किनारे पर महाराजा अम्बरीश का राजभवन था। राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त होने के साथ साथ बेहद न्यायप्रिय शासक थे। एक बार राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा। व्रत खोलते समय दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के महल पहुंच गए। अम्बरीश ने उन्हें भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश से कहा कि वह स्नान के बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे। जल्दी लौटने की बात कहकर वे स्नान के लिए नदी चले गए। ऋषि दुर्वासा के इंतजार में काफ़ी समय बीत गया। तब राजा अम्बरीश ने देवताओं का आवाहन कर आहुति दी और ऋषि के लिए कुछ भाग अलग कर दिया। कुछ समय बाद दुर्वासा ऋषि वापस आए। उन्हें राजा द्वारा उनका इंतजार न करने पर बहुत क्रोध आया। क्रोध के आवेश में उन्होंने अपनी जटा को निचोड़कर कृत्या राक्षसी उत्पन्न की और उसे राजा अम्बरीश पर आक्रमण करने का आदेश दिया। भगवान विष्णु ने भक्तों की रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र प्रकट किया और राक्षसी का नाश हुआ। कृत्या का नाश करने के बाद सुदर्शन चक्र ऋषि दुर्वासा का पीछा करने लगा। दुर्वासा जी रक्षार्थ हेतु लोगों लोग घूमने लगे, शिव जी की शरण में पहुँचे। फिर शिव जी ने विष्णु जी के पास भेजा। विष्णु जी ने कहा, आपने भक्त का अपराध किया है, अतः आप अपना कल्याण चाहते हैं तो भक्त अम्बरीश से ही क्षमा प्रार्थना करें। थक हार कर दुर्वासा जी अम्बरीश जी के पास पहुँचे और सुदर्शन चक्र को रोकने के लिए प्रार्थना करने लगे। दयालु राजा ने ऋषि की प्रार्थना मान ली और सुदर्शन चक्र को वापस अपने स्थान पर जाने को कहा। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि की जान संसार से बाहर निकली। महाभारत में ऋषि दुर्वासा से संबंधित कई घटनाएं हैं। एक बार महर्षि दुर्वासा द्वारका गए। वहां जाकर उन्होंने घोषणा की कि वहीं मुझे अपने यहाँ ठहरा दे जो मुझे सह सके। श्री कृष्ण ने उनको अपने यहाँ ठहराया। दरवाजा श्री कृष्ण के यहाँ कभी हंसने लगते तो कभी रोने लगते। महल के सामान को उठाकर इधर उधर फेंकने लगते। कभी भी कुछ भी मांग लेते। एक दिन उनकी इच्छा खीर खाने की हुई। बोले, खीर लाओ। श्री कृष्ण ने तुरंत उनके सामने खीर प्रस्तुत कर दी। महर्षि ने थोड़ी सी खीर खाई और बोले, कृष्ण तुम इस खीर को अपने पूरे शरीर पर लगा लो। श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। ऋषि के पास खड़ी रुक्मणी देवी से कहा, तुम भी ऐसा ही करो। फिर बोले, रथ मंगाओ। तुरंत रथ हाजिर हो गया। महर्षि ने कहा, रुक्मणी तुम रथ में घोड़े के स्थान पर जुत जाओ। खीर लिपटी रुक्मणी रथ में जुत गई। महर्षि रथ में चाबुक लेकर बैठ गए। राजमार्ग पर भरत मुनि की इच्छा अनुसार चला। मेरे रास्ते में रुक्मणी पर चाबुक से वार करते रहे। वापस आने पर खीर से लिपटे बिना क्रोध के श्री कृष्ण ने बड़ी नम्रता से कहा, महर्षि प्रसन्न होइए। दुर्वासा लज्जा से पानी पानी हो गए। बोले, कृष्ण तुम धन्य हो, तुम्हारे सिवा मेरा ऐसा आतिथ्य कौन कर सकेगा भला। ऋषि दुर्वासा को क्रोधित करना जितना आसान है, उन्हें प्रसन्न करना उतना ही कठिन था। लेकिन पांडवों की माता कुंती ने अपने सेवा भाव से ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न करने में सफलता हासिल की थी। एक बार कुंती की सेवा भाव से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक ऐसा मंत्र बताया था जिसकी सहायता से वह देवताओं का ध्यान कर उनकी शक्तियों से परिपूर्ण पुत्र रत्न की प्राप्ति कर सकती थी। पांडवों का जन्म इसी मंत्र की सहायता से हुआ था। दूसरी घटना में स्नान करते समय महर्षि दुर्वासा का वस्त्र नदी में प्रवाहित हो गया। कुछ दूरी पर द्रौपदी भी स्नान कर रही थी। स्थिति देखकर द्रौपदी ने तत्काल आंचल का एक टुकड़ा काटकर ऋषि को प्रदान किया है।
इससे प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें वर दिया था कि यह वस्त्र खंड वृद्धि को प्राप्त कर तुम्हारी लज्जा का निवारण करेगा। इसी वर का प्रभाव था कि जब कौरव सभा में दुशासन के द्वारा द्रौपदी की साड़ी चीरहरण की घटना हुई तो साड़ी बढ़ती ही गई। वर के प्रभाव से द्रौपदी की लाज बच गई। महाभारत की एक अन्य घटना में दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के यहाँ पहुँचे। कूटनीतिज्ञ चाल के तहत कपटी दुर्योधन ने उन्हें प्रसन्न कर प्रार्थना की युधिष्ठिर का भी आतिथ्य ग्रहण कर कृतार्थ करें। पांडव उस समय अपना वनवास काट रहे थे। विपन्न अवस्था में जूझते पांडव इतने सारे ऋषि मुनियों की आतिथ्य सत्कार करने में असमर्थ थे। जब ऋषि अपने शिष्यों को लेकर आश्रम पहुँचे उस समय द्रौपदी भोजन कर चुकी थी और पांडवों के पास ऋषि के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कुछ विशेष नहीं बचा था। पांडव घबरा गए। अब दुर्वासा ऋषि को क्या खिलाएंगे? उनके क्रोध की भी चिंता हो गई कि वह कहीं श्राप ही ना दे दें। ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि वे अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए नदी जा रहे हैं, तब तक भोजन का प्रबंध करके रखें। इस विकट परिस्थिति में द्रौपदी श्री कृष्ण को मदद के लिए पुकारती हैं। श्री कृष्ण जी तुरंत द्रौपदी की मदद के लिए आ जाते हैं। वे भूख लगने की मांग करते हैं और जो भी भोजन बच गया है उसकी मांग करते हैं। भोजन के पात्र में सिर्फ चावल का एक ही कण चिपका होता है। कृष्ण जी बड़े प्रेम से बचे हुए चावल के कणों को ग्रहण करते हैं। उनके इस अनुज को ग्रहण करते ही ऋषि दुर्वासा उनके शिष्यों के पेट भरे होने का आभास हो जाता है। कुछ भी ग्रहण करने का उनके पेट में स्थान नहीं था। अब उन्हें पांडवों द्वारा बनाए गए भोजन की आवश्यकता नहीं थी। भोजन के अपमान से अंदेशा होने लगा था। वे उनके पास वापस आने के बजाय यात्रा पर आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।